Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Muzammil. Today we are going to discuss about the assertive sentence. As you know, हम narration को अभी पढ़ रहे हैं, narration के बारे में discuss कर रहे हैं. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था narration के बारे में और उसके बाद हमने देखे थे exceptions in the basic rules. आज हम पढ़ लेंगे assertive sentence के बारे में. सबसे पहले हम जानेंगे assertive sentence क्या होते हैं. तो assertive sentence द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और asserts ए स्टेटमेंट, यानी वो सेंटेंस जो किसी बात को डिक्लेयर करता है या assert करता है. assert means जोर देना, यानी कि किसी बात पे जोर देना, मतलब किसी बात को बता देना. तो वो सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर means बताना, बोलना, कहना. तो किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को, किसी फीलिंग को, ओपिनियन को, या हिस्ट्री के किसी फैक्ट को, किसी इवेंट को, किसी इंसिडेंट को बताए, तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस. अब ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये यूजुअली फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, यानी कि इनके लास्ट में हम पीरियड लगाते हैं, दैट इज फुल स्टॉप. अब ये असर्टिव सेंटेंस जो है ये एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. एफर्मेटिव मीन्स विच आर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव बात ना हो, इनकार ना हो, उन्हें हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इकरार करने वाले या ऐसी बात करने वाले जो पॉजिटिविटी की तरफ हो, जो पॉजिटिव हो. और दूसरे होते हैं नेगेटिव, दैट इज नेगेशन, यानी कि जिनमें कोई नॉट हो ज़ाहरी तौर पे, या नेगेटिव वर्ड हो. अगर नॉट ना भी हो तो नेगेटिव वर्ड हो, तो उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के ही हिस्से हो सकते हैं. असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब हम देखेंगे ये जो असर्टिव सेंटेंस है इनके लिए हम कौन से रूल्स अप्लाई कर लेते हैं. रूल नंबर वन अगर हम देखेंगे तो रूल नंबर वन हमें कहता है कि जब भी हमें किसी असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम बेसिक रूल्स ही इस पे अप्लाई कर लेते हैं. जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े उनको ही हम अप्लाई कर लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में. वो बेसिक रूल्स क्या है, यानी कि कॉमास को हटा लेते हैं, डैट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो टेंसेस है उनको चेंज कर लेते हैं, और जो प्रोनाउन्स है उनको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं. तो ये कुछ बेसिक रूल्स हमने पहले वीडियो में पढ़े थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें. अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे. तो एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल वन हमें क्या कहती है, शी सेज आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर. तो वो कहती है, वो अपने भाई को चिट्ठी लिख रही है. तो यहाँ पे शी सेज डैट शी इज राइटिंग ए लेटर टू हर ब्रदर, यानी कि वो कह रही है, शी सेज शी इज राइटिंग. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर वो किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो उस वक्त हम यहाँ इसका जो टेंस होता है रिपोर्ट स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का, वो चेंज नहीं होता है. यहाँ पे ये है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका टेंस जो है यहाँ पे भी सेम है, शी इज राइटिंग ए लेटर. तो सिर्फ हमने प्रोनाउन्स चेंज किए, यहाँ पे जो आई है वो बन गया शी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था बेसिक रूल, जो भी फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग स्पीच में वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसका जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से चेंज होगा. जो शी है वो यहाँ पे आई बन गया शी. इसी तरह ये माई बी जो है वो हर बन जाएगा. That is how we change, यानी कि basic rules इसमें apply करने हैं, जो हमने पढ़े थे उन्हीं को apply करना है, और इस तरीके से हम assertive sentence जो है वो
चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड क्या कहती है, उसमें भी सेम रूल ही है, यानी कि यहाँ पे भी ये लिखा है इसने, एग्जाम्पल शी सेज आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी कि ये एफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की भी आपको एग्जाम्पल मिल गई कि वो चिट्ठी लिख रही थी, वो चिट्ठी नहीं लिख रही थी, दैट इज यहाँ पे लिख रही थी, दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं लिख रही थी, दैट इज नेगेटिव। शी सेज आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर, तो यहाँ पे शी सेज डैड, यहाँ पे हमने हटाया कॉमास को तो डैड का इस्तेमाल किया, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हर ब्रदर, ओके। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे सेंटेंसेस चेंज कर लेते हैं। इसमें सिंपल रूल्स अप्लाई होते हैं, असर्टिव सेंटेंस जब भी होगा तो उसमें सिंपल बेसिक रूल्स जो आपने पढ़े हैं वो ही अप्लाई करने हैं। अब अगर हम इसका नोट देखेंगे या रूल नंबर टू मैं इसको नहीं कहूँगा, ये एक नोट आप इसको कह सकते हैं। नोट क्या है, नोट है सेड टू जो है वो रिप्लेस हम करते हैं किससे, टोल्ड से। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होगा उसको हम चेंज कर लेते हैं टोल्ड में। तो अगर हम उसकी एग्जांपल देखेंगे, शी सेड टू मी, ये जो सेड टू है इसको हम चेंज कर लेते हैं टोल्ड में। जब भी सेड टू होगा तो वो चेंज होगा टोल्ड में। एक्चुअल में सेड या आप कह सकते हो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उस वक्त हम टोल्ड कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू के बाद ही आएगा। सो इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो जब सेड टू होगा तो उसको टोल्ड में आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, शी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, शी टोल्ड मी डैट शी वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर ब्रदर। यहाँ पे इसका टेंस भी चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इस वक्त नहीं था, ये जो थी ये रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में था इस वक्त, इसलिए इसका जो टेंस है वो भी चेंज हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।